수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी टिक्की। आपने कभी खाया नहीं होगा। तो हमने लिया है कटहल के बीज, कटहल पका हुआ था तो ये बीज सारे उसमें से निकाल कर अच्छे से धुल लिए हम। ये देखिए, इसके बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी टिक्की बनता है। अगर बीज ऐसे बच जाए तो आप इसका रेसिपी में बनाने में यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने बहुत ही अच्छे से इसको धुल लिया है। तो ये देख सकते हैं अभी इसका छिलका एकदम चिपका हुआ है बीज में, अभी बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है। तो ये अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम छत पर आ गए हैं, तो जो हमने लिया है बीज तो उसे हम पहले सुखा लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी उबाल सकते हैं, उबाल कर इसको छील सकते हैं, पर पहले हम इसे थोड़ा सा धूप में सुखा लेंगे। बहुत तेज़ धूप है तो जल्दी से सूख भी जाएगा ये। तो पेपर पर अच्छे से फैला लेते हैं और इसको ऐसे ही सूखने देते हैं 5-6 घंटे तक, या एक दिन तक भी आप इसको पूरा सुखा सकते हैं, जब तक ये छिलका बीच से निकलने ना लगे तब इतना आपको सुखा लेना है। तो इसको हमने डाल दिया है तो फिर इसको सूखने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बीज एकदम अच्छे से सूख गया, पूरा एक दिन हमने सुखाया है इसको। ये देखिए, अगर बहुत तेज़ धूप है तो एक दिन में ये अच्छे सूख जाता है। तो ये देखिए, पूरा छिलका ऐसे निकलना चाहिए कि इतना सूख ले। अगर आप उबालेंगे तब भी ये निकल जाएगा, चाहे तो आप उबाल भी सकते हैं या फिर इसको धूप में सुखा सकते हैं। तो ये देखिए, छिलका कितनी आसानी से निकल जा रहा है। तो आप दोनों काम में से जो भी कर सकते हैं, या उबालें या धूप में सुखा लें। तो इसका सभी छिलका हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अब जो छिलका है बीज में चिपका बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से निकल जा रहा है। तो पूरा छिलका हमें निकाल लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए पूरा छिलका हमने निकाल लिया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बादाम जैसा दिख रहा है ये। ये थोड़े से सूख चुके हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ही सूख गया। तो इतना, ये देखिए पूरा छिलका इतना निकल गया है इसका, ये देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पूरा छील लेना है। तो हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इसको धुल लिया है बीज को 2 बार अच्छे से साफ पानी से। तो इसे अब हम उबालेंगे। आप छिलका सहित भी उबाल सकते हैं, पर हमने छिलका निकाल दिया है तब इसको उबालेंगे। तो आपको 1 गिलास पानी डाल देना है, जितना बीज आप डालें उसके ऊपर पानी आपको बराबर पर डाल देना है। थोड़ा सा नमक डाल दिए हम। तो अब इसका ढक्कन हम बंद कर देते हैं। तो इसे अब हम उबालेंगे। तो गैस पर रख देते हैं। तो गैस पर हमने रख दिया है, देखिए। तो इसको सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। तो टोटल हमें 6 सीटी लगा लेना है। हम 1 सीटी आपको दिखा दिए हैं, ये आखिरी सीटी है। तो गैस हम बंद कर देते हैं। तो ठंडा होने पर इसे हम खोलेंगे। तो 6 सीटी आपको लगा लेना है दोस्तों। ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो अब हम ढक्कन खोल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ढक्कन खोल दिया है, बीज एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो उसे अब हम 1 थाली में निकाल देते हैं। तो देखिए 1 थाली में निकाल दिए हैं। तो अब इसे हम जल्दी जल्दी छील लेते हैं। तो देखिए, अब इसे हम छील रहे हैं। इसको गर्म पर ही छीलना है आपको। आप चाहे तो इसको बिना छिलके का भी मैश कर सकते हैं, पर हम ये वाला छिलका निकाल कर ही इसको मैश करेंगे। बहुत लोग छिलका सही थे इसको मैश कर लेते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा ही आप करें, पर इसका छिलका हम निकाल कर ही मैश करेंगे, तभी टिक्की बहुत ही टेस्टी बनेगा।
तो बहुत ही जल्दी ये छिल जाता है, गरम गरम पर ही तुरंत इसको छीलिएगा। तो ये देखिए, एक हमने एकदम अच्छे से छील लिया है इसको। तो एक हमने छील लिया है, तो बाकी को भी हम ऐसे ही छील लेंगे। आप चाहे तो इसको चाकू से भी छील सकते हैं, चाकू से बहुत ही जल्दी छील जा रहा है, तो इसलिए हम सब चाकू से ही बीज को छिलका निकाल लेंगे। तो हमने तीन बीज छील लिया, तो इसको आप जैसे ही छीले तुरंत इसको मैश करते जाना है आपको। तो ये देखिए, क्योंकि गर्म पर ये जल्दी मैश हो जाएगा, अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइट होने लगेगा। तो ये देखिए, तुरंत हम इसको मैश कर दे रहे हैं। तो ये देखिए कितना महीन हो गया है ये। तो ऐसे ही सभी आपको कर लेने हैं। तो सभी बीज को हमने छील कर एकदम अच्छे से महीन कर लिया है। अगर बीज आप छील रहे हैं और टाइट भी हो जाए तो आप उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इसको अब हम एक दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनता है इसका टिक्की। देखिए, हमने एक बर्तन में ले लिया पूरा। तो हमने ले लिए थोड़े से आलू, आलू को भी हमने उबाल दिया था। तो आलू और बीज को मिक्स करके हम इसका टिक्की बनाएंगे। तो इस कद्दूकस से आप, अगर बीज टाइट हो गया है तब इससे भी कद्दूकस कर सकते हैं। तो आलू को भी हमने कभी से उबाल दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो अगर मैश करेंगे तो ज़्यादा महीन नहीं होगा। तो इसलिए उसको, ये देखिए मैशर लिए हम। तो सभी आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं ताकि गुठलियाँ ना रहें बिल्कुल भी, क्योंकि टिक्की बना रहे हैं तो एकदम महीन होना चाहिए, तभी गोल गोल अच्छे से बन पाएगा। तो सभी आलू को हम ऐसे ही कद्दूकस कर लेते हैं। अगर गर्म पर आप मैश कर दें तो ठीक है। तो दोस्तों, सभी आलू को हमने मैश कर दिया है। ये देख सकते हैं कितना महीन है ये, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है इसमें। तो ये दो चीज़ हो चुका है। तो अब हम बहुत ही चटपटा भी बनाएंगे टिक्की। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे काला नमक। बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा। तो अब इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तो अब इसको चटपटा बनाने के लिए हमने ले लिया है जलजीरा पाउडर। ये देखिए, जलजीरा पानी पूरी मसाला वाला। तो इसको भी हम आधा छोटा चम्मच ही डालेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी होता है चाट मसाला। थोड़ा सा आप डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ये। तो इसे भी हम आधा छोटा चम्मच के हिसाब से ही ऐड कर लेंगे। ये देखिए, तो इतना आपको डाल देना है। थोड़ा सा में ही बहुत चटपटा स्वाद आएगा ये। तो सभी चीज़ें हमने डाल दिया है। तो आखिरी में अब इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद वाला नमक आधा छोटा चम्मच। सभी चीज़ें आपको आधा छोटा चम्मच ही डालना है इसको इसमें। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो पहले चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर हाथ से मिक्स करेंगे। ये सभी चीज़ें अब मिलाएं। तो वो जो काला नमक का पाउडर हमने कूट लिया था, तो जो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रह गया है तो उसमें उसे हम निकाल देंगे, वो काला नमक था। तो मिक्स कर लेते हैं इसको। तो अब हाथ से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है आपको। इतना ही चीज़ें अच्छे से ऐड कर मिला लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये देखिए, ये काला नमक है, थोड़ा पाउडर महीन नहीं बना था तो थोड़ा थोड़ा से ये खड़े रह गए हैं। तो उसको आप डाल भी सकते हैं, निकाल दें, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मिक्स हो चुका है अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया एक प्लेट और ले लिए हैं रिफाइंड ऑयल।
थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। देखिए थोड़ा सा एक बूंद लगा लिए हैं, तो जैसा भी आपको छोटा बड़ा टिक्की बनाना हो उस आकार का आप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम बड़े साइज का बना रहे हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाएंगे हम। तो ये देखिए एक लोई लेकर उसका गोल गोल बना लेंगे। तो इस शेप में आप सभी टिक्की बना लेना है। तो ये देखिए दोस्तों एक टिक्की हमने अच्छे से बना लिया है। तो ऐसे ही आपको बना लेना है। तो सभी टिक्कियां हम बना लेते हैं। सभी टिक्की हमने बना लिया है, पूरे को एक प्लेट में रख दिए हैं। टोटल 14 टिक्की बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए दोस्तों। तो अब इसे हम सेक लेते हैं। गैस पर पैन रख दिए हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तो तेल हमने लगा दिया चारों तरफ और तेल गर्म हो चुका है। तो सभी टिक्की हम रख देते हैं पैन पर। तो एक बार में ही हम सारी टिक्कियों को सेक लेंगे, क्योंकि पैन बड़ा है। तो जितनी टिक्की है टोटल 14 टिक्की, तो सभी को हम एक साथ ही सेक लेंगे। तो ये देखिए पूरा टिक्की हमने डाल दिया है, तो इसको 4-5 मिनट के बाद ही सेकेंगे। तुरंत नहीं पलटना, जब नीचे एक साइड पूरा डार्क ब्राउन हो जाएगा तभी हम इसको पलट लेंगे। तो 5 मिनट बाद देखते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट बाद हम देख रहे हैं पूरी टिक्की एकदम अच्छे से, ये देख सकते हैं आप नीचे इतना डार्क डार्क ब्राउन हो चुका है। तो सभी को हम पलट लेते हैं। तो सभी टिक्कियों को हम पलट लेते हैं। ये एक साइड एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो सभी को पलट लेते हैं। तो सभी टिक्के को हमने पलट लिया है। थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं बीच में, ताकि पीछे का साइड भी अच्छे से सिक जाए। दोस्तों थोड़ी देर बाद हम दिखा रहे हैं, तो एक साइड जो उसे भी पलट लेते हैं। तो ये देखिए पीछे के साइड भी एकदम अच्छे से सिक चुका है, डार्क डार्क ब्राउन हो चुका है। और आप देख सकते हैं देखने में ये कितना क्रिस्पी लग रहा है टिक्की। बीज डालकर और आलू को दोनों मिक्स करके जब आप बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी बनता है टिक्की। तो सभी टिक्कियों को हमने पलट लिया है, ये देखिए। तो इसे एक मिनट तक और ऐसे पकने देंगे। तो रेडी हो चुके हैं सभी टिक्कियां। तो सभी को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं सभी टिक्की। तो सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों सभी टिक्कियों को हमने प्लेट में निकाल दिया है और सभी बहुत ही अच्छे से सेक गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना है ये, हम आपको पास से दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं इसका चटपटा टिक्की बनाना। तो हमने ले लिया है एक प्लेट, तो उसमें हम 3-4 टिक्की डाल लेते हैं। आप इसको, इसमें हमने सभी चीज़ें मिक्स किया ही हुआ था, आप इसको ऐसे भी चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर एक प्लेट में लेकर इसका टिक्की बनाकर खा सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा चम्मच से इसको हल्का हल्का दबा दिया है। तो हम ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम चाट मसाला बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे हम, क्योंकि सभी चीज़ें हमने टिक्की में ऐड कर चुके थे पहले ही, तो इसलिए सभी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिए हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही थोड़ा थोड़ा डाला है। थोड़ा सा डाल देंगे सफ़ेद नमक। तो सभी चीज़ें हमने डाल दिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आपके पास हरा धनिया भी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, पर हम हरा धनिया नहीं, हरा धनिया की तीखी चटनी हम वो ऐड करेंगे। ये देखिए लहसुन मिर्च या धनिया की तीखी चटनी है, तो
तो उससे आधा छोटा चम्मच, जितना तीखा आपको पसंद हो। पर ये धनिया वाली चटनी है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये चटनी खाने में, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टोमेटो सॉस। दही आपको इसमें ऐड नहीं करना है, कि बीज हम डाले हैं तो दही ऐड नहीं करते हैं। तो जितना चीज़ें हमने ऐड किया बस उतना ही आपको मिलाना है। तो टोमेटो सॉस भी हमने डाल दिया। अगर आपके पास पापड़ी है तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो हम आपको पास्ता दिखा देते हैं। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, चटपटा और तीखा बना है ये टिक्की, आप देख सकते हैं। हम आपको पास्ता दिखा देते हैं। और जितनी टिक्की बची हैं आप उसको सॉस से खा सकते हैं, चटनी से खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये टिक्की कैसी लगी। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी लाते रहेंगे। अगर आपने टिक्की ये बनाई नहीं है तो आप जल्दी से बनाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी टिक्की कैसी बनी है।